नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋचा शुक्ला। मित्रों, आज आपसे कुंडली यानी कि जन्म पत्रिका के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करूंगी, शायद सबसे महत्वपूर्ण। और आप लोगों में से बहुत लोगों ने कमेंट्स में ये बात लिखकर भी मुझसे पूछी है कि मैम, जब कोई स्थान खाली होता है, पत्रिका में 12 खाने हैं और 9 ग्रह हैं, तो ये तो निश्चित है कि कोई ना कोई हाउस जो है वो खाली होगा, यानी कि कोई ना कोई भाव, स्थान, जो भी आप समझते हैं। कुंडली में तो 12 खाने हैं ना, और ग्रह तो 9 हैं। अगर 9 एक एक करके भी बढ़ जाए तो भी आपके 3 खाने खाली होंगे। और होता अक्सर ये है कि 4-5 खाने भी कभी कभी खाली होते हैं, 2-3 खाने भी खाली होते हैं। तो क्या अगर कोई स्थान, अगर कोई भाव जो है कुंडली का, पहला, दूसरा, तीसरा स्थान जो है, अगर वो खाली है तो क्या उसका कोई मतलब नहीं है ज्योतिष में? क्या इसका मतलब ये हो गया कि वो हाउस जो है वो एक तरह से वेस्ट हो गया, उसका कोई खास प्रभाव नहीं रहा? जी नहीं, खाली स्थान भी पूरा फल देने में सक्षम होते हैं। क्योंकि पहली चीज ज्योतिष में जो होती है वो ये होती है कि स्थान यदि खाली है तो सबसे पहले आपको देखना है कि उस स्थान का मालिक यानी कि उस हाउस का रूलर कहाँ पर गया है कुंडली में। अगर कोई स्थान खाली है और आपके उस स्थान का रूलर यानी ओनर ऑफ दैट हाउस वो अगर आपकी कुंडली के केंद्र या त्रिकोण में चला जाता है, तो आप ये मान लीजिए कि उस भाव में, उस स्थान में भले ही कोई ग्रह ना बैठा हो, लेकिन आपकी कुंडली में उस भाव का परिणाम, उस भाव के रिजल्ट्स पूरे मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे। पहली बात ये कि केंद्र या त्रिकोण में चला जाए। दूसरी बात ये भी देखेंगे कि जो स्थान खाली है उस पर किस ग्रह की दृष्टि आ रही है। ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई स्थान खाली भी हो और उस पर कोई दृष्टि भी ना आ रही हो। तो अगर उस स्थान पर किसी ग्रह की दृष्टि आ रही है तो फिर हम उस भाव पर, उस ग्रह के जो प्रभाव है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी लग्न खाली है ना, कुंडली का पहला घर खाली है लेकिन सातवें घर में बृहस्पति बैठे हुए हैं एग्जाम्पल के लिए, तो यानी लग्न तो खाली है लेकिन उस पर बृहस्पति की दृष्टि आ रही है, तो लग्न बली हो जाती है, लग्न अच्छी हो जाती है क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि अच्छी होती है। इसी तरह अगर खराब ग्रह की दृष्टि होती तो वो लग्न जो है वो थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती। अब देखना ये होगा कि चलो दृष्टि तो देख ली, खराब की आ रही है, मैलिफिक की है, बेनिफिक की है, कैसा है, लेकिन उसके बाद भी चलो भाई ठीक है, वो हाउस तो ठीक है, खराब हो रहा है या अच्छा हो रहा है, लेकिन उसके मालिक की क्या स्थिति है। तो सबसे बड़ा पॉइंट जो है एम्प्टी हाउसेस के बारे में वो ये है कि आपको उस स्थान के मालिक की स्थिति देखनी होगी। पहला पॉइंट है केंद्र या त्रिकोण में चला जाए। दूसरा ये कि उस भाव का स्वामी अपने घर से 6, 8 और 12 में अगर होगा तो भी उस भाव के जो प्रभाव हैं वो क्षीण होते हैं, वो कम होते हैं। अब ये ध्यान रखिएगा, मैंने अभी पहला सूत्र दिया कि अगर केंद्र या त्रिकोण में चला जाए 1, 4, 7, 10 में या फिर 5 और 9 में, पर अगर आपको देखना है कि वो स्थान जो खाली है उसका मालिक अगर केंद्र में भी है या त्रिकोण में भी है लेकिन अपने स्थान से 6, 8, 12 में है, तो भी उसके प्रभावों में कमजोरी आएगी, थोड़ी थोड़ी सी
क्षीणता आती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके दसवां घर जो है, स्थान जो है वो खाली, और दशमेश जो हैं वो पंचम स्थान में पांचवें घर में बैठे हुए हैं, तो पहला सूत्र तो लग जाता है कि केंद्र का मालिक या दसवें घर का मालिक त्रिकोण में आ गया, अच्छा देना चाहिए। लेकिन वो अपने घर से यानी कि दसवें घर से आठवें घर की पोजीशन पर होता है, तो जब कभी भी उस ग्रह की दशा या अंतरदशा आएगी तो आपके करियर से रिलेटेड या तो कुछ बदलाव होगा, चेंजेस हो सकते हैं, ट्रांसफ़र हो सकते हैं, इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। लग्न से केंद्र में है, ये बात और है कि वो जो ट्रांसफ़र है या जो चेंज ऑफ जॉब है वो आपके लिए अच्छा हो, क्योंकि केंद्र से तो वो ठीक बैठा हुआ है, लेकिन अपने घर से आठवां है तो थोड़ा सा एक जिसको कहते हैं ना आकस्मिकता, सडननेस आपको देखने को मिलेगी। तो इस तरह से आप देखेंगे, फिर आप देखेंगे कि उस स्थान पर किसकी दृष्टि आ रही, जैसा कि मैंने अभी कहा था आपसे, तो दृष्टि संबंध को देख लेंगे। उसके बाद एक और पैरामीटर देखेंगे कि वो स्थान शुभ कर्त्री या पाप कर्त्री में तो नहीं आ रहा, माना सप्तम भाव खाली है, और छठे घर में और आठवें घर में दोनों तरफ क्रूर ग्रह बैठे हुए हैं। तो देखिए, फिर आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा कि आप बिना ज़्यादा कुछ देखे भी कह सकते हैं कि भाई मैरिज से रिलेटेड थोड़े से स्ट्रगल या प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। लेकिन अगर सप्तमेश सातवें घर का मालिक अच्छी जगह प्लेस्ड होगा, जैसा कि मैंने अभी बताया, तो फिर आपको विवाह से रिलेटेड जो है स्ट्रगल होगा, लेकिन आपका विवाह खराब नहीं होगा। पर अगर सप्तमेश की स्थिति भी खराब है, सातवां घर भी पाप कर्त्री में है, तो आपके विवाह से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको थोड़ी बढ़ सकती हैं। तीसरी बात, मतलब, और अगर शुभ कर्त्री में है तो अच्छी बात हो गई। शुभ कर्त्री का मतलब होता है कि अगर उसको अच्छे ग्रहों ने घेर लिया है, एक तरफ बुध है, एक तरफ बृहस्पति है, सप्तम भाव खाली है, तो बहुत हद तक ठीक है। अगर सप्तमेश की स्थिति बहुत खराब नहीं होगी तो आपका विवाह अच्छा चलेगा। क्योंकि तीसरा, ये तीसरा सूत्र था, चौथा सूत्र, नंबर पर मत जाइए क्योंकि मैं कभी कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखती हूँ तो मुझे नहीं याद है मैं कौन से नंबर पर बात कर रही हूँ, पर जहाँ तक मुझे याद है ये अब चौथा नंबर मैं दे रही हूँ, सूत्र जो दे रही हूँ। चौथे सूत्र में आ जाता है कि आपको ये भी देखना होता है कि उस भाव का, माना कि कोई भाव खाली है, पंचम स्थान खाली है आपकी कुंडली का, आप पंचमेश देखेंगे, उस भाव पर क्या दृष्टियां आ रही हैं ये देखेंगे, पाप कर्त्री शुभ कर्त्री देख लेंगे, लेकिन आप पांचवें घर का जो कारक ग्रह है बृहस्पति, यानी कि सिग्निफिकेटर कारक को भी हम देखते हैं। चलिए खाली है, दृष्टि भी खराब आ रही है, और पांचवें घर का मालिक भी बहुत अच्छा प्लेस्ड नहीं है, लेकिन अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति अच्छे प्लेस्ड होंगे तो भी संतान सुख मिलने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। ज्योतिष में केवल एक फैक्टर काम नहीं करता, देर आर मल्टीपल फैक्टर्स जो एक ही समय पर काम करते हैं। इसीलिए आप लोगों को लगता है कि ये सूत्र बताया लेकिन मेरी पत्रिका में तो नहीं लगता, क्योंकि एक सूत्र एक तरह से लगता ही नहीं है। अब आप देखिए कि एक खाली भाव है और उसको मैं पूरी कितने पैरामीटर्स पर जज करने को आपको कह रही हूं। तो ये जो चीज है कि आपको ये देखना है उस भाव का कारक कैसा है, उसकी स्थिति कैसी है। स्थिति जानने का मतलब सीधा होता है, केंद्र त्रिकोण में है तो अच्छा, अपने घर से केंद्र त्रिकोण में है तो भी अच्छा, या अब पांचवें घर का कारक बृहस्पति है और पांचवा घर खाली है, तो हम क्या देखेंगे कि बृहस्पति अगर पांचवें घर से केंद्र या त्रिकोण में हो, चलिए ग्यारहवें घर में हो, नवें घर में हो, तो आप ऐसा मान, केंद्र या त्रिकोण की स्थिति आ गई ना, चलो सातवें घर में है तो देख रहा है पांचवें घर में है, तो बृहस्पति भी अगर
नवम में है, एकादश में है, या फिर दूसरे घर में भी क्यों ना हो, क्योंकि वो भी पांचवें घर से दसवां घर है, तो अच्छा है, परिवार में वृद्धि हो जाएगी, संतान का सुख आपको प्राप्त हो जाएगा। कुछ लोग आप लोगों को खाली स्थान को देखकर कह देते हैं कि ये भाव सुप्त भाव है, सुप्त स्थान है, और आपका खाना खाली है तो बस आपका तो अब कुछ नहीं हो सकता। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप किसी के भी इस तरह की बातों पर मत जाइए, चार पांच फैक्टर्स को देखिए, लगाइए, उस स्थान के मालिक को देखिए, कारक को देखिए, दृष्टियां देखिए, एक्सचेंज देख लीजिए। एक्सचेंज का मतलब ये है कि अगर आपको ये लग रहा है, एक्सचेंज यहाँ पर लागू नहीं होगा, ठीक है। सो दृष्टियां देख लीजिए, ये सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे तो आपको एक फेयर आइडिया मिल जाता है कि वो स्थान जो खाली है उसका क्या प्रभाव होगा। अब एक बात और खाली स्थानों के विषय में ही, कि जब मैं कभी कोई, जैसे कि मैंने कहा कि शुक्र से दूसरे भाव में अगर कोई ग्रह बैठा हुआ है तो आप उसी फील्ड से पैसे कमा सकते हैं। जैसे शुक्र से दूसरे घर में अगर बृहस्पति है तो आप फाइनेंस से रिलेटेड कार्यों से पैसे कमा सकते हैं, लॉ से पैसे कमा सकते हैं, टीचिंग से पैसे कमा सकते हैं, कंसल्टेंसी से पैसे कमा सकते हैं, है ना। ऐसा मैंने एक वीडियो बनाया था। अब उसमें आप लोगों ने, बहुत लोगों ने कहा कि अगर शुक्र से दूसरा घर खाली हो तो क्या करें। तो आपको ये बात आज मैं इस वीडियो से क्लियर कर रही हूं, तो आप ये देखेंगे कि शुक्र से दूसरे भाव में राशि कौन सी पड़ी हुई है। अगर शुक्र से दूसरे भाव में बुध की राशि है तो बहुत संभावना है कि आप बुध से रिलेटेड, टीचिंग से रिलेटेड काम करें, ट्रेनिंग से रिलेटेड काम करें, इसकी संभावना थोड़ी सी बन जाती है। अब देखना फिर होगा, क्योंकि खाली स्थान आ गया, बुध की क्या पोजीशन है चार्ट में। अब अगर बुध जो है शुक्र से छठे आठवें में बैठा होगा तो आप टीचिंग से नहीं कमा पाएंगे। तो मतलब ये कि अगर मैं कोई सूत्र दे रही हूं कि बृहस्पति से पांचवें घर में अगर ये हो तो आप ऐसी पढ़ाई करेंगे, तो पहली चीज तो ये कि ये सूत्र तभी लगेगा जब कोई ग्रह बैठा होगा, अन्यथा आपको वो सूत्र आप अपनी पत्रिका में नहीं लगा सकते। देखो, हर सूत्र हर पत्रिका पर नहीं लगता है। जरूरी थोड़ी है कि बृहस्पति से पांचवें घर में सबकी कुंडली में कोई ग्रह हो ही। फिर विद्या को देखने के लिए, फिर संतान को देखने के लिए और हाउसेज हैं, और तरीके हैं। ये जो सूत्र हम देते हैं ये तो बस ये है कि अगर आपकी कुंडली में है तो ऐसा होगा, पर थोड़ा सा आप ये देख सकते हैं कि जिस जो राशि पड़ी होती है उसका जो मालिक है, जो ओनर है, उससे रिलेटेड भी आप प्रिडिक्शंस या फल थोड़े बहुत सोच सकते हैं। लेकिन जो ग्रह बैठा है उसकी बात ही और होती है, तब वो चीज़ बिल्कुल लगेगी। कि जैसे मैंने अभी कहा कि अगर शुक्र से दूसरे घर में बृहस्पति बैठा है तो निश्चित रूप से आप लीगल फील्ड से, टीचिंग से, प्रीचिंग से, कंसल्टेंसी से, फाइनेंस रिलेटेड कामों से, इस तरह की चीज़ों से आपकी जीविका चल सकती है। लेकिन अगर बृहस्पति का केवल साइन हो, माना कि शुक्र बैठा है वृश्चिक में, उससे दूसरे घर में यानी नंबर 9 पड़ा हुआ है, तो जरूरी नहीं है कि आप बृहस्पति से रिलेटेड चीज़ों से ही पैसे कमाएं, क्योंकि फिर वो सूत्र पूरा नहीं लग रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तीसरी बात, खाली स्थानों के विषय में एक बात और भी देखना चाहिए कि क्या नवांश में, वर्गा चार्ट्स में वो स्थान भर गया है। ये भी एक तरीका है देखने का, कि माना आपकी लग्न खाली है और आपने इसी तरह से देख लिया कि लग्न की क्या ताकत है। ऐसा थोड़ी होता है कि लग्न खाली हुई और हमारा सारा सब खराब हो गया। तो आपने इतने सारे सूत्र जो मैंने चार पांच आपको दिए वो लगाइए, लेकिन उसके बाद आप ये भी देखेंगे कि क्या नवांश में लग्न वर्गोत्तम तो नहीं हो गई। मतलब जो खाना, जो नंबर पड़ा हुआ है आपके फर्स्ट हाउस में लग्न पत्रिका में, वही अगर नवांश में आ जाता है तो लग्न वैसे ही बली हो गई, खाली हो भले ही। फिर आप ये देख लेंगे कि क्या नवांश में लग्न में कोई ग्रह बैठा है।
तो उसका भी प्रभाव आपकी लग्न पर पड़ेगा। तो खाली स्थान को थोड़ा सा नवांश में भी देख लीजिए। वर्गोत्तम तो नहीं है वो स्थान, उस स्थान का मालिक नवांश में कहाँ चला गया है, उससे भी आपको स्थान की ताकत, बल, परिणाम सब कुछ पता चल जाएंगे। आई थिंक ये जो चीज है ये आज आप लोगों को भली भांति समझ आ गई होगी। मेरा प्रयास रहता है कि आप लोगों को मैं अच्छे से समझा पाऊँ, प्रयास करती हूँ। आप लोगों को अच्छा लगता है, इससे मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। अगर आप लोग ज्योतिष सीखना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि इसी तरह मैं आपको ये सिखाऊं कि पत्रिका कैसे देखी जाती है, तो मेरा कोर्स ज्वाइन कीजिए। रजिस्ट्रेशन अभी चल रहे हैं, अप्रैल से, अप्रैल के महीने से वो बैच स्टार्ट हो रहा है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, खुद को रजिस्टर करवाएँ। धन्यवाद। मेरे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, और अगर मतलब पसंद आते हैं तो मित्रों के साथ शेयर कर दें, सब सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद। ये आपका अपना चैनल है। थैंक यू।